नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। खबर सुल्तानपुर के बल्दी राय से है। तौधिकपुर प्रधान के 5 साल विकास का हाल बदहाल। आपको बताते चले, मामला बल्दी राय विकास खंड के ग्राम सभा तौधिकपुर का है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के 25 दिसंबर 2020 को प्रधान के खाते से लेन देन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, वहीं तौधिकपुर के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में किसी को भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। और अगर कुछ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय मिल भी गया है तो प्रधान के मनमर्जी तरीके से बना। जहां एक बच्चे के छत पर चढ़ने से शौचालय की छत ढह गई, वहीं कुछ लोगों की शिकायत नाली, पेयजल, सड़क व सरकारी राशन की दुकान पर मिल रहे राशन का समय पर वितरण न होने पर व राशन कम मिलने पर प्रधान व कोटेदार के प्रति गुस्सा दिखा। इस बारे में जब प्रधानपति राजेंद्र शुक्ला से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि आपको जो न्यूज चलानी है चलाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, जहां से वो लाइव तौधिकपुर के लोगों से बातचीत करते हुए दिखे। और रिपोर्टर ओम प्रकाश सिंह, आज मैं पहुंचा हूं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के तौधिकपुर ग्राम सभा में। 5 साल ग्राम सभा का विकास का हाल। आज मैं यहाँ के हमारे भावी प्रत्याशी हैं, जो कि बाद में करना चाहता हूं भैया जी से, इनसे मैं पूछता हूं इनके ग्राम सभा में प्रधान जी द्वारा क्या काम करवाया गया, क्या नहीं करवाया गया। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम सुनील तिवारी है, और प्रधान जी ने जहां तक काम करवाया है, जो भी काम हुआ है वो आपकी आँख के सामने है। आप अपने कैमरे में कैप्चर करिए और देखिए, आप तो अधिकपुर ग्राम के चौराहे पर खड़े हैं। देखिए, पानी की निकासी, यहाँ जल निकासी सबसे बड़ी समस्या है। बरसात के सीजन में जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पे पानी भर जाता है। लोगों को आने जाने की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं कि पैदल तो बिल्कुल चला नहीं जाता है, मोटरसाइकिल से चलने वाले व्यक्ति यहाँ पे अक्सर गिर जाया करते हैं। लगभग आप मान के चलिए कि 500 मीटर की दूरी तय करके अगर आप मेन रोड पर पहुँचेंगे तब जाके आपको कुछ सही हालत में सड़कें मिलेंगी। यहाँ की मुख्य समस्या जल निकासी, पेयजल और स्वच्छ सड़कों की है। यहाँ पे शुद्ध राशन नहीं मिल पाता है। यहाँ लॉकडाउन के टाइम में अगर देखा जाए तो सही रूप से समय समय पर राशन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। हमारे जो सस्ते दर के दुकान के दुकान मालिक जो हैं, यानी अनिल सिंह जी, उनके माध्यम से भी अगर देखा जाए तो सही नहीं मिल पाता था राशन। और प्रधान जी के द्वारा जो काम किया गया है, सड़कें आपको दिखाई पड़ रही हैं, नल के पास की नालियां दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पे पीछे से भैया आप अपने कैमरे से देखिए तो ये नाली खोदी गई है, लेकिन अभी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आप इसको दिखाइए अपने कैमरे अच्छी तरह से देख लियो, दोनों तरफ देख लियो। आप उधर जाओ ना, इधर देख लो ना। आइए देखते हैं, जैसा कि यहाँ के ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि ये मेन चौराहा पड़ता है तौधिकपुर का, और मैं अपने कैमरा मैन के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए सरकारी नल है जो कि सांसद और विधायक के निधि से आता है, उसकी क्या हालात हुई है। उनके पानी का निकासी आज लगभग 20 सालों से बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा, 20 सालों से नल है और आज तक ये पानी का जो निकासी है, आज तक ये निकासी नहीं हो पाया। इसका कहीं अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। आए दिन यहाँ लोगों को परेशानी होती है, पानी भरा होता है और बरसात के मौसम में यहाँ लोग गिरते हैं। आइए, मैं यहाँ की एक महिला हैं जो कि इसी ग्राम सभा के निवासी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं प्रधान जी के बारे में, इनसे आके हम इनकी राय जानना चाहते हैं। क्या नाम है दादी आपका? हमारा नाम सुभाती है। क्या दिक्कत है तुम्हारा? हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। कितने पहले राशन कार्ड आपका बना था? जी सबका रहा है तो बना रहा, लेकिन अब की बार देवर के हमारे अलग हो गए, उसके बाद में हमारा राशन कार्ड नहीं बना। तुम्हारा नहीं बना? आपने प्रधान जी से बताया कि नहीं बताया? बताया गया था। क्या बताया उन्होंने? राशन कार्ड, आधार कार्ड ले गए, फोटो ले गए, ऑनलाइन में फिर भी नहीं बना। अभी तक नहीं बना? अभी तक नहीं मिला। जैसा कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि राशन कार्ड की दिक्कतें हैं, शौचालय की दिक्कतें हैं, लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की दिक्कतें हैं, तो देखिए अभी हम चलते हैं प्रधान जी से, यहाँ के प्रधान जी जो हैं उनसे मैं बात करता हूँ प्रधान जी से कि यहाँ जो लोग समस्याएं बता रहे हैं, क्या ये सच में पूरी समस्याओं का समाधान उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया? 25 तारीख को प्रधान का खाता बंद हो गया, 25 दिसंबर को। अब हो सकता है प्रधानी चुनाव फरवरी या मार्च में हो जाए, तो मैं यहाँ के प्रधान जी से मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रधान जी के कार्यकाल में क्या ये जो काम बता रहे हैं गांव के लोग, सही है या गलत? कोटेदार आएगी वर्मा, क्या समस्या है आपकी गल्ला के लेकर? गांव में जो राशन वितरित होता है, क्या समस्या है आपकी? बराबर गल्ला नहीं बटते। ये कौन है कोटेदार है? कौन है? अनिल कोटेदार है हमारे यहाँ के।
कहाँ ग्राम सभा, किस ग्राम सभा के निवासी हैं ये? ये निवासी जरई कहीं। तो आपने जैसे ये समस्याएं हो रही हैं गल्ला ना बांटने के लिए, आप इनसे कुछ कहते हैं? क्यों बराबर भैया दादा कही सभी, लेकिन ये बराबर नहीं देते, कहा थी आज बटे काल बटे। पावत हो नहीं पहले कितने दिन में ये देते हैं? हाँ कितने दिन में ये देते हैं? पिछली बार के कायने कब बांटे हैं पूछ लियो, सामने खड़ा है। दिसंबर माह का गल्ला नहीं बटा कोटेदार जी, जैसे आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आपके ही ग्राम सभा सौधिकपुर के निवासी क्या कहना चाहेंगे? ये बता रहे हैं पिछले साल पिछले महीने कह रहे हैं 30 तारीख तक का, 5 से 30 तारीख के बीच में गल्ला दिया जाता है, वितरित किया जाता है। क्यों और राय भैया यही हमारे पीछे बताया वाला, पिछले महीने के का मिला भाई गल्ला? बोलो क्या नाम है भैया आपका? सुंदरलाल प्रजापति। आपके एक यूनिट में कार्ड में कितनी यूनिट है? एक यूनिट है। एक यूनिट है? तीन यूनिट होना चाहिए, एक यूनिट है। तीन यूनिट हो, कितना आपको कितने किलो गल्ला मिलता है? 35 किलो। 35 किलो जी, उसमें से 5 किलो फिर भी कट जाता है। कौन सा कार्ड है आपका? लाल कार्ड है, मेरी माता जी का है। अच्छा जी, 5 किलो कैसे कटत भैया? कितना कैसे कम हो जाता है, 5 किलो कैसे कट जाता है? हर कार्ड पे 5 किलो काटते हैं। नहीं वहाँ से तो वो तो वहाँ से देखते हैं। नहीं नहीं पहले आप सुनिए, आप तो गल्ला ले आओ तो नहीं, अपने माता जी का बला लो, अपने पिता जी का बला लो, वो तो आप ठीक, आप गल्ला लिए कब आओ थे? हो गए अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं मिला। जैसा कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि राशन कार्ड की दिक्कतें हैं, शौचालय की दिक्कतें हैं, लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की दिक्कतें हैं, तो देखिए अभी हम चलते हैं प्रधान जी से, यहाँ के प्रधान जी जो हैं उनसे मैं बात करता हूँ प्रधान जी से, कि यहाँ जो लोग समस्याएं बता रहे हैं क्या ये सच में पूरी समस्याओं का समाधान उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया? 25 तारीख को प्रधान का खाता बंद हो गया, 25 दिसंबर को, अब हो सकता है प्रधानी चुनाव फरवरी या मार्च में हो जाए, तो मैं वहाँ की यहाँ के प्रधान जी से मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रधान जी के कार्यकाल में क्या ये जो काम बता रहे हैं गांव के लोग सही है या गलत? कोटेदार आएंगे वर्मा, क्या समस्या है आपकी गल्ला के लेकर? गांव में जो राशन वितरित होता है क्या समस्या है आपकी? बराबर गल्ला नहीं बटते है। ये कौन है, कोटेदार है कौन है? अनिल कोटेदार है हमारे खेत के। कहाँ ग्राम सभा, किस ग्राम सभा के निवासी है ये? ये निवासी जरई कहीं। आपने जैसे ये समस्याएं हो रही हैं गल्ला ना बांटने के लिए, आप इनसे कुछ कहते हैं? क्यों बराबर भैया दादा कही सभी, लेकिन ये बराबर नहीं देते, कहा थी आज बटे काल बटे। पावत हो नहीं पहले कितने दिन में ये देते हैं? हाँ कितने दिन में ये देते हैं? पिछली बार के कायने कब बांटे हैं पूछ लियो, सामने खड़ा है। दिसंबर माह का गल्ला नहीं बटा। कोटेदार जी, जैसे आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आपके ही ग्राम सभा सौधिकपुर के निवासी, क्या कहना चाहेंगे? ये बता रहे हैं पिछले साल पिछले महीने कह रहे हैं 30 तारीख तक का, 5 से 30 तारीख के बीच में गल्ला दिया जाता है, वितरित किया जाता है। क्यों और राय भैया यही हमारे पीछे बताया वाला, पिछले महीने के का मिला भाई गल्ला? बोलो क्या नाम है भैया आपका? सुंदरलाल प्रजापति। आपके एक यूनिट में कार्ड में कितनी यूनिट है? एक यूनिट है। एक यूनिट है? तीन यूनिट होना चाहिए, एक यूनिट है। तीन यूनिट हो, कितना आपको कितने किलो गल्ला मिलता है? 35 किलो। 35 किलो जी, उसमें से 5 किलो फिर भी कट जाता है। कौन सा कार्ड है आपका? लाल कार्ड है, मेरी माता जी का है। अच्छा जी, 5 किलो कैसे कटत भैया? कितना कैसे कम हो जाता है, 5 किलो कैसे कट जाता है? हर कार्ड पे 5 किलो काटते हैं। नहीं वहाँ से तो वो तो वहाँ से देखते हैं। नहीं पहले आप सुनिए, आप तो गल्ला ले आओ तो नहीं, अपने माता जी का बला लो, अपने पिता जी का बला लो, वो आप ठीक, आप गल्ला लिए कब आओ थे? अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं मिला। जैसा कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि राशन कार्ड की दिक्कतें हैं, शौचालय की दिक्कतें हैं, लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की दिक्कतें हैं, तो देखिए अभी हम चलते हैं प्रधान जी से, यहाँ के प्रधान जी जो हैं उनसे मैं बात करता हूँ प्रधान जी से, कि यहाँ जो लोग समस्याएं बता रहे हैं क्या ये सच में पूरी समस्याओं का समाधान उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया? 25 तारीख को प्रधान का खाता बंद हो गया, 25 दिसंबर को, अब हो सकता है प्रधानी चुनाव फरवरी या मार्च में हो जाए, तो मैं वहाँ की यहाँ के प्रधान जी से मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रधान जी के कार्यकाल में क्या ये जो काम बता रहे हैं गांव के लोग सही है या गलत? कोटेदार आएंगे वर्मा, क्या समस्या है आपकी गल्ला के लेकर? गांव में जो राशन वितरित होता है क्या समस्या है आपकी? बराबर गल्ला नहीं बटते है। ये कौन है, कोटेदार है कौन है? अनिल कोटेदार है हमारे खेत के। कहाँ ग्राम सभा, किस ग्राम सभा के निवासी है ये निवासी जरई कहीं। आपने जैसे ये समस्याएं हो रही हैं गल्ला ना बांटने के लिए, आप इनसे कुछ कहते हैं? क्यों बराबर भैया दादा कही सभी, लेकिन ये बराबर नहीं देते, कहा थी आज बटे काल बटे। पावत हो नहीं पहले कितने दिन में ये देते हैं? हाँ कितने दिन में ये देते हैं? पिछली बार के कायने कब बांटे हैं पूछ लियो, सामने खड़ा है। दिसंबर माह का गल्ला नहीं बटा। कोटेदार जी, जैसे आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आपके ही ग्राम सभा सौधिकपुर के निवासी,
क्या कहना चाहेंगे ये बता रहे हैं पिछले साल पिछले महीने कह रहे हैं 30 तारीख तक का 5 से 30 तारीख के बीच में गल्ला दिया जाता है वितरित किया जाता है क्यों और आए भैया यही हमारे पीछे बताने वाला पिछले महीने के का मिला भाई गल्ला बोलो क्या नाम है भैया आपका सुंदरलाल प्रजापति आपके एक यूनिट में कार्ड में कितनी यूनिट है एक यूनिट है तीन यूनिट होना चाहिए एक यूनिट है तीन यूनिट हो कितना आपको कितने किलो गल्ला मिलता है 35 किलो 35 किलो जी उसमें से 5 किलो फिर भी कट जाता है कौन सा कार्ड है आपका लाल कार्ड है मेरी माता जी का है अच्छा जी 5 किलो कैसे कटा भैया कितना कैसे कम हो जाता है 5 किलो कैसे कट जाता है हर कार्ड पे 5 किलो काटते हैं नहीं वहाँ से तो वो तो वहाँ से देखते हैं नहीं नहीं पहले आप सुनिए आप तो गल्ला ले आओ तो नहीं अपने माता जी का बुला लो अपने पिता जी का बुला लो वो आप ठीक आप गल्ला लिए कब आओ थे देश विदेश के कपड़ों को पाने के लिए प्राइम न्यूज 24 सब्सक्राइब करें।